जिला पंचायत के 14 सदस्यों हेतु डाले गए वोटों के आधार पर सारणीकरण का कार्य शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से जिला पंचायत सभागृह बड़वानी में किया गया। कलेक्टर एवं जिला पंचायत निर्वाचन के रिटर्निंग अधिकारी सिंह वर्मा ने सारणीकरण के पश्चात विजेता अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा, साथ ही उन्हें निर्वाचित होने की बधाई भी दी। इस दौरान अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव भी उपस्थित थी। बलवंत सिंह पटेल को 28,165, दुर्गाबाई रेखाबाई दुर्गा सिंह पटेल को 11,675, इनमें से कोई नहीं नोटा उसको 553, कुल गैर मत 40,393, खारिज मत 5,122, डाले गए कुल मत 45,515। इसमें वार्ड नंबर दो में बलवंत सिंह पटेल को सर्वाधिक 28,165 मत प्राप्त होने से उनको विजयी घोषित किया जाता है। ये वाले अनाउंसमेंट जो है वो और सीट आपको कल मिली गई होगी, रिश्तेदारों द्वारा सीट दी होगी और कल पहले से ही होगी, इसमें कुछ अंतर हो तो आप हमको बता सकते हो। सबसे पहले जिला पंचायत बड़वानी के निर्वाचन क्षेत्र एक से जो नगर और करण सिंह दरबार को प्राप्त मत इस प्रकार है, जगदीप धरवंदर को 16,670, करण सिंह दरबार को 1,470 और इनमें से कोई नहीं नोटा को 509। इस प्रकार वार्ड नंबर एक में कुल जो वैध मत है 8,655, खारिज मत है 5,220, कुल डाले गए मत है 41,885। इसमें वार्ड नंबर एक के जो भी कैंडिडेट्स हों, मुझे लगता है कि कल आपने ये अनाउंसमेंट तहसीलदार से सुना होगा, पढ़ना भी यहाँ पर होगा, इसमें कोई अंतर ना हो जो बैठे हुए यहाँ पर। तो वार्ड नंबर एक से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले करण सिंह दरवास को सर्वाधिक मत 21,400 प्राप्त हुए हैं और इनको विजयी घोषित किया जाता है। सर, जिला पंचायत के सदस्यों का सारणीकरण हो चुका है? ये जिला पंचायत, जनपद पंचायत और पंच सरपंच का, इन सभी का सारणीकरण का काम 14 तारीख को सभी विकासखंड मुख्यालय पर हुआ था। जिला पंचायत का सारणीकरण के बाद में उसको चेक करके उनका परिणाम की घोषणा करना और विजयी लोगों को प्रमाण पत्र देने वाला काम कल 15 तारीख को मेरे द्वारा जिला मुख्यालय पर किया गया। सभी के परिणाम घोषित हो चुके हैं, सभी को सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आगामी जो कार्रवाई होना है, जिसमें पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रथम सम्मेलन होना है, जिसमें पंचायत स्तर पर प्रथम सम्मेलन में उप सरपंच का निर्वाचन भी होना है। उसके लिए प्रथम चरण की जो चुनाव की पंचायतें हैं, जिसमें सैंदवा और पानसेमल, उसका सम्मेलन 24 तारीख को पानसेमल और सैंदवा में होना है। द्वितीय चरण का ठीकरी राजपुर निवाली में वो 25 तारीख को सम्मेलन आयोजित होगा। और तृतीय चरण में जो पंचायत चुनाव हुआ था पार्टी और बड़वानी का, इसका 26 तारीख को प्रथम सम्मेलन होगा। इन तीनों सम्मेलनों में सभी जगह उप सरपंच का निर्वाचन भी होना है। इसके बाद में जिले में जनपद स्तरीय जो सम्मेलन आयोजित होगा उसमें जनपद अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी, चुनाव भी होना है। इसके लिए 27 और 28 तारीख नियत की गई है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। इसमें इसके दो ग्रुप बनाए हुए हैं। प्रथम ग्रुप में हमारा 4 विकास खंड लिए हुए हैं, सैंदवा है, राजपुर, ठीकरी और पानसेमल।
इसका होगा 27 तारीख को जनपद का अध्यक्ष का उपाध्यक्ष निर्वाचन होगा सम्मेलन में, और दूसरा जो फेस है 28 तारीख को, जिसमें पार्टी बड़वानी और निवाली विकासखंड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होना है, और 29 जुलाई को जिला पंचायत का जो भी हमारे सदस्य चुने गए हैं उनका प्रथम सम्मेलन है, उस प्रथम सम्मेलन में जिला पंचायत अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का निर्वाचन जिला स्तर पर होगा। सर नगर परिषदों का भी चुनाव हुआ था सर, उनका परिणाम? नगर परिषद का हमारे जिले के ठीकरी और नवाली में दो नगरीय निकायों में अभी वोटिंग हुआ था 13 तारीख को, इसकी काउंटिंग 20 तारीख को है, 20 तारीख को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे, उसके बाद में इनका प्रथम सम्मेलन की डेट शासन से मतलब राज्य निर्वाचन आयोग से प्रत्यक्ष जारी होगी।